जय हिंद एवरीवन। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वायसराय ऑफ इंडिया के बारे में। सभी को जय हिंद। फिर से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल एंड वायसराय। यहां तक गवर्नर जनरल का पीरियड था 1857 तक, याद रखिएगा 1857 तक गवर्नर जनरल का पीरियड था, लेकिन यही गवर्नर जनरल को फिर वायसराय का संज्ञा दे दिया गया, वायसराय कहा गया। जब वायसराय कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिप्रेजेंटेटिव बिटवीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क, ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में वायसराय, ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विस्काउंट कैनिंग है, ये आपको लास्ट गवर्नर जनरल हुए, और लास्ट गवर्नर जनरल इस लिहाज से क्योंकि अब इन्हें वायसराय कहा गया है ना, इससे ये गवर्नर जनरल के पोस्ट को बरकरार था, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको वायसराय कहा गया। तो ये पहले वायसराय ऑफ इंडिया हुए विस्काउंट कैनिंग। आप देखें इनका समय देख लें और इनके समय में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी, ध्यान रखिएगा। इसमें से काफी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जो अगला वीडियो का जो सेगमेंट होगा वो होगा चीफ नेशनल एक्टिविटीज। तो चीफ नेशनल एक्टिविटीज में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण आपको जो घटनाएं होंगी उनको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ वायसराय के विषय में ही जानेंगे, ठीक है। तो इनके समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था भाई, कि स्टेट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक अलग पोस्ट बनाया गया इंडिया के लिए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एक पोस्ट बनाया गया, उसमें उनकी काउंसिल एक बनाई गई, उनको एक अधिकार दिया गया कि वो ब्रिटिश मोनार्क को सीक्रेटली बगैर एडवाइस का काउंसिल के कुछ भी भेज सकते हैं, यानी पोस्ट को डिवेलप किया गया। इवन गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया। तो ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत था। फिर बजट सिस्टम पहली बार आपको विस्काउंट कैनिंग के समय में ही आपको शुरुआत होती है इंडिया में। सिविल सर्विसेज की भी शुरुआत आपको 1858 के एक्ट के बाद ही होता है। साथ में इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल, इंडिगो जबरदस्ती का लगाना और इंडिगो लगाने के लिए जबरदस्ती का कर्ज देना है ना, ये इसकी वजह से बंगाल के फार्मर एकदम परेशान होकर के उन्होंने रिवोल्ट किया था 1859-60 में। फिर इंडियन पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड क्या है, आपको क्रिमिनल प्रोसीजर, ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज को किस तरह से डील करना है, आज भी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है ना, क्रिमिनल एक्टिविटीज को चेक करने के लिए उसका आधार यही है 1860 में। फिर आर्कियोलॉजिकल एएसआई ऑफ इंडिया, जो आपको एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो खोजते हैं उसको ब्रशअप करते हैं, उनके बारे में बहुत सारे चीजों को बताते हैं, तो ये शुरुआत एएसआई की आपको कैनिंग के समय हुआ, और उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उनके ही जनरलशिप में ये एएसआई की शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहले ऑफिशियल हुए। फिर उनके बाद आए लॉर्ड एल्गिन, ठीक है, अर्ल एक टाइटल के तौर पे इस्तेमाल होता है, एल्गिन है लॉर्ड। इनके समय में कलकत्ता हाईकोर्ट इस्टेब्लिश हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट इस समय में इस्टेब्लिश हुए। फिर बाद में आए रॉबर्ट नेपियर, कुछ समय के लिए थे, एक्टिंग थे। फिर विलियम डेंशन, इनके समय बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारे वायसराय हैं जो कि भारत पर रूल कर चुके हैं। फिर जॉन लॉरेंस टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, इस समय भूटान वॉर हुआ, भूटान वॉर हो गया, ब्रिटिशर्स ने भूटान को हरा दिया, बहुत बुरी तरीके से हराया, और कुछ पार्ट जो था असम का उनके पास वो छीन लिया गया और इसे जोड़ दिया गया, इनफैक्ट असम और बंगाल के साथ भूटान को भी जोड़ दिया गया, यानी भूटान कमजोर पड़ गया, भूटान को मिला दिया गया। फिर शिमला को इंडिया का समर कैपिटल 1863 में जॉन लॉरेंस के समय में तय किया गया। फिर न्यू टेबरनेल्स ऑफ न्यू डिस्पेंशन अ न्यू चर्च एस्टैब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन, ये ब्रह्म समाज वाले केशव चंद्र सेन जी हैं। केशव चंद्र सेन जी के लिए था कि वो चर्च से काफी प्रभावित थे, वो अलग अलग धर्मों के अच्छी बातों को वो समझ करके एक नया विधान, नया न्यू विधान, नवा विधान नाम से एक नया वो नियम शुरुआत करना चाहते थे कि लोग फॉलो करें, है ना, ये एक अच्छी बातों का था, चर्च से इंस्पायर्ड थे वो, तो उनको वो जारी करना चाहते थे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन 1866, ये इन्हीं के समय हुआ, लॉरेंस जी के समय में। लॉर्ड मेयो, अर्ल ऑफ मेयो है, फिर नेक्स्ट वायसराय है, इनकी हत्या की गई थी पठान शेर अली अफरीदी के द्वारा, इनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, इन्होंने इनके समय में भारत का जनगणना शुरू हुआ था, एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज, यहाँ पे देखिएगा, इंडियन प्रिंसेस के लिए यानी भारतीय राजकुमारों के लिए स्पेशली
राजकोट में मेयो कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया अजमेर में, है ना। ध्यान दीजिएगा, राजकुमार कॉलेज राजकोट में और मेयो कॉलेज अजमेर में, ये सिर्फ भारतीय राजकुमारों के लिए थे, यहां सिर्फ राजकुमार लोग प्रिंस लोग पढ़ सकते थे। स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अलग अलग विभागों को अलग अलग किया, टैक्स के लिए अलग किया, फिर क्रेडिट सिस्टम के लिए अलग किया, मतलब अलग अलग विभाग किए गए जिससे कि फायदा जो ब्रिटिश सरकार को फायदा आए, तो ये किया गया। रेवेन्यू सिस्टम अलग, टैक्सेशन अलग। इनएक्टेड आईपीसी अमेंडमेंट सेडिशन एक्ट 1872 टैकल वहाबी मूवमेंट, ये पैन इस्लामिक मूवमेंट था, आपको मुस्लिम्स के बीच में था कि मुस्लिम्स के मामले में ब्रिटिश क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए था, तो उसको भी इन्होंने चेक किया था, रोका था। केशव चंद्र सेन ने एस्टैब्लिश किया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इसलिए तैयार किया गया था चार पांच बातों के लिए, कि महिलाओं की शिक्षा के लिए, फिर समाज में चैरिटी यानी दान दक्षिणा और बढ़े, फिर आपस में कोऑपरेशन बढ़े, सोशल रिफॉर्म्स आवे समाज में, इसके लिए केशव चंद्र सेन ने कोशिश अपनी जारी रखी थी ये मेयो के समय में। फिर आए जॉन स्ट्रैची, लेकिन ये एक्टिंग थे, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। लॉर्ड नेपियर फिर से एक्टिंग हुए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का समय आया, सत्य शोधक समाज, आप लोग पढ़े होंगे कभी ना कभी, ज्योतिबा फुले लॉन्चे सत्य शोधक समाज, कहां पर, महाराष्ट्र में, किस ईयर में, 1873, कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के लिए, ये बहुत ही फेमस है। ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस एक्ट 1876, ये क्या था कि भाई देखिए, आप कुछ भी ड्रामा में नहीं दिखा सकते, नाटक नौटंकी या जो भी आप करते हैं उसमें ब्रिटिश राज के खिलाफ, उसके इमेज के खिलाफ कुछ नहीं दिखाएंगे, उस पर कुछ ना कुछ आपको स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में। फिर लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर का मतलब हो गया लोकल लैंग्वेज, यानी लोकल लैंग्वेज में जितने भी मैगजीन्स आ रही है, न्यूज़पेपर आ रही है, जर्नल आ रही है, कुछ भी, उसमें ब्रिटिश राज के इमेज पर आप क्वेश्चन नहीं उठाएंगे, आपका स्ट्रिक्टली आप पर प्रोहिबिशन है 1878 में। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में, ये फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर में तो किसी तरह ये लोग, इन लोगों ने शुरुआत की थी ब्रिटिशर्स ने कि अफगानिस्तान को भी हड़पेंगे, लेकिन चूंकि अफगानी इन पे भारी पड़े, इन्होंने क्या किया कि पीस सेटलमेंट कर लिया, हारे भी नहीं लेकिन पीस सेटलमेंट कर ली। लेकिन दूसरे अफगान वॉर में ये चाहते थे कि कांदाहार इनके हिस्से में आए, जो अफगानिस्तान में कांदाहार है वो इनके हिस्से में आए, और इसीलिए इन्होंने दोबारा हमला किया और हरा दिया गया, और इस तरह से अफगानिस्तान इनके हिस्से में आ गया, बहुत मेजर पार्ट अफगानिस्तान का इनके हिस्से में आ गया, क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की पॉलिसी अपना रखे थे। फर्स्ट दिल्ली दरबार आउट ऑफ थ्री, पहला दिल्ली दरबार 1877 बुलाया गया, दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में बुलाया गया, तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में बुलाया गया। इसमें क्या किया गया, क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया घोषित किया गया, क्योंकि 1857 का दौर जा चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि रिवॉल्ट हो चुका है 1857, तो महारानी जो है उनको कैसरे हिंद का उपाधि दिया गया कि वो अब हिंद की मल्लिका है, वो क्वीन है और उन्हीं के नाम पर रूलिंग होगा। इसीलिए याद रखिएगा, लॉर्ड लिटन के समय में यह शोनन सबको दिया गया दिल्ली दरबार बुला करके कि देखिए, वहां दिल्ली दरबार में सारे जितने राजे रजवाड़े आए, नवाब आए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अलग अलग जगहों के, वो आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, उनके सामने क्वीन को, क्वीन चूंकि आई नहीं थे लेकिन उनके स्थान पर यह पढ़ दिया गया फरमान कि भाई क्वीन विक्टोरिया होंगी एम्प्रेस ऑफ इंडिया। बढ़िया, फिर आइए लॉर्ड रिपन आएंगे, लॉर्ड रिपन आएगा, फैक्ट्री एक्ट आया 1881 में। ध्यान रखिएगा, पहले फैक्ट्री एक्ट जो आया था उसके तहत था कि 7 से 12 साल के बच्चे को 9 घंटा काम करना है, इजाजत दी गई थी, है ना, और भी बहुत सारे था कि मिड डे में एक मील दिया जाएगा, उसमें कम से कम अपना भोजन कर सकेगा, रात में काम नहीं होगा, इस तरह से करके 1871 में आया था, 1881 में आया था, माफ कीजिएगा, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के तहत इसमें जो ये तय किया गया था कि बच्चे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 7 साल से कम नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आप देखिए, हालांकि बाद में चल के ये एज को हटा दिया गया था, फिर एज को कर दिया गया था 9 से 14 कर दिया गया था, 7 से 12 को हटा करके, और उसके बाद महिलाएं रात में काम नहीं करेंगी, महिलाएं हैं उनके लिए 11 घंटा इनफ है, संडे को काम नहीं होगा, वर्किंग कंडीशंस के ऊपर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट में बात किया गया।
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब था कि इसके तहत 1881 में ये इसको देखना होगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यहाँ पे कोशिश किया गया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसके उसमें बरकरार रखा गया कि भाई ब्रिटिश राज के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, वैसे ही बनकर बना के रखा गया कि प्रेस वगैरह के माध्यम से, पेपर वगैरह के माध्यम से आपको कुछ नहीं बोलना है। तो ये रिपील ऑफ द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था। इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल इंपॉर्टेंट है। इल्बर्ट बिल के तहत है, क्या इंडियन जजेस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, यानी कोर्ट में क्या एक इंडियन जज, सोचिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन को अपना गुलाम बना रखा है, कॉलोनाइज किया हुआ है, और एक इंडियन जज की कुर्सी पर पहुंच जाए, मतलब जज बन जाए, और क्या एक कोई ब्रिटिशर कोई हो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सुन सकता है और आदेश देगा, तो क्या वो ब्रिटिश मानेगा? तो इस पे बहस चल पड़ा। इल्बर्ट बिल में तय कर दिया गया कि इंडियन जजेस की बात भी लागू होगी, इसके लिए साथ में ब्रिटिश जज भी बैठेंगे। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 1882, बहुत नहीं। अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन अंडर विलियम हंटर, या हंटर कमीशन आया जो एजुकेशन के ऊपर चर्चा करने के लिए, इंग्लिश को स्पेशली प्रमोट ही करना था। फिर फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन्हीं के समय हुआ, लॉर्ड रिपन के समय में होता है जनगणना। फिर लॉर्ड डफरिन आइए, और लॉर्ड डफरिन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्हीं के समय 1885 में स्थापित किया गया है ना। और थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर, बर्मा के साथ युद्ध, तीसरे बर्मा युद्ध में पूरे बर्मा को एनेक्स कर लिया गया, जो बचा खुचा खुचा हिस्सा था, अपर बर्मा का जो पार्ट था, जो थोड़ा सा बचा हुआ हिस्सा था, उसे भी इन लोगों ने जीत लिया। थर्ड एंग्लो बर्मा युद्ध में पूरा का पूरा बर्मा को जीत लिया गया, पहले दो बर्मा युद्ध में उनके हिस्से को तोड़ करके भारत में मिलाया गया था। फिर आइए लैंसडाउन, ये हिल स्टेशन का भी नाम है लैंसडाउन, आपको इनके नाम पर ही है। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, काउंसिल में मेंबर्स कितने होंगे, फिर उनकी संख्या कितनी होंगी मेंबर्स की, फिर इस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट में मेंबर्स की स्पेशली बात हो रही थी, उनके पावर्स के लेकर के बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे, फैक्ट्री एक्ट 1891, उसी में कुछ संशोधन के साथ फैक्ट्री में जो वर्कर्स का जो कंडीशन है उसके ऊपर ही चर्चा की गई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चलेंगे आगे, ड्यूरंड कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर लाइन को ड्यूरंड लाइन भी कहा जाता है, इंडिया और अफगानिस्तान, और याद रखिएगा ड्यूरंड कप भी होता है आपको स्पोर्ट्स में, तो ये एक तय किया गया इन्हीं के टाइम में। फिर आएगा अर्ल ऑफ एल्गिन, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा बलूर मठ 1897 बंगाल में इन्हीं के समय स्थापित किया गया। लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इनके समय में ब्लंडर मिस्टेक डन बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल करके इन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी 1905, क्योंकि चिंगारी यहीं से भड़का, ठीक है। उसके बाद आइए सेकंड दरबार, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड दिल्ली दरबार बुलाया गया रानी के सम्मान में सारे राजाओं के सामने। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर हेनरी फ्रेजर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। स्वदेशी मूवमेंट जरूरी होगा कि स्वदेशी सामान को अपनाना और जो ब्रिटिश मेड प्रोडक्ट्स हैं उनका डिनाई करना है ना, अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट को शुरुआत किया गया था, इनके द्वारा बाल गंगाधर तिलक है ना, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, आपको अरविंदो घोष भी थे इनके समय में, आपको स्वदेशी मूवमेंट होता है। फिर बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल एस्टैब्लिश किया गया एनी बेसेंट के द्वारा 1904 में, आपको बनारस में, आप जैसा ही जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के भी रही हैं, एस्टैब्लिश की थी एनी बेसेंट। और लॉर्ड कर्जन के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट बोला गया, भारत का वेल्थ को देखते हुए, भारत से मिलने वाले फायदे को देखते हुए, कहा लॉर्ड कर्जन ने, इंडिया इज द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर, इतना इंपॉर्टेंट है इंडिया हमारे लिए, इफ द एम्पायर लूजेस एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव, बट इफ यू लूज इंडिया द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट, यानी अगर ब्रिटिश एम्पायर का पूरे ग्लोब पर किसी भी कंट्री से उनका रूल चला जाए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सरवाइव कर लेंगे, लेकिन इंडिया से अगर हमारा रूलिंग चला गया तो ब्रिटिशर्स का सनसेट होना तय है। ये कर्जन उस समय भारत के वेल्थ को देखते हुए समझ चुके थे। अर्ल ऑफ मिंटो, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आया, ध्यान दीजिएगा,
मॉर्ले कौन होंगे? जो लॉर्ड मॉर्ले होंगे वो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मिंटो वायसराय है जो आप पढ़ रहे हैं मिंटो के बारे में। 1909 का ही है या इंडियन काउंसिल एक्ट का ही है, इसके तहत जो भी काउंसिल्स बनाए गए थे प्रोविंशियल और सेंट्रल में, जो लेजिस्लेचर बनाया गया था, काउंसिल बनाई गई थी, उसमें तादाद बढ़ाने के लिए, मेंबर्स की तादाद बढ़ाने के लिए, इंडियंस की तादाद बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था 1909। स्प्लिट इन कांग्रेस, इसमें ये भी था, इसमें ये भी था कि जो रिलीजियस अफेयर्स के आधार पर भी सेपरेट इलेक्टोरेट यानी मुस्लिम्स को भी देने की बात की गई थी। कांग्रेस इस समय दो हिस्से में टूटती है 1907 में, गरम दल नरम दल वाला हिसाब जो है एक्सट्रीमिस्ट, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। सीडिशियस मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ बाय आगा खान, मुस्लिम लीग बहुत जरूरी है। 1906 में मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया आगा खान के द्वारा। इसमें इनफैक्ट तीन थे, मोहसिन उल मुल्क, आगा खान, सर सैयद अहमद खान, ये तीनों एस्टैब्लिश करने में, आपको मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश करने में जिम्मेदार हैं। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 की भाई उस पर कंट्रोल, प्रेस पर कंट्रोल ब्रिटिशर्स का रहे बरकरार इंडियन प्रेस पर। जमशेदजी टाटा टिस्को एस्टैब्लिश किया 1907 में, टिस्को का फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते ही होंगे। लॉर्ड हार्डिंग अगले वायसराय हुए, इसी समय में दिल्ली दरबार इनको स्थापित किया गया, ध्यान दीजिएगा, इनके समय में दिल्ली दरबार बुलाया गया 1911 में, जिसमें जॉर्ज पंचम, पांचवे जॉर्ज यानी जॉर्ज फिफ्थ आए और उनको सबके सामने दर्जा दिया गया कि ये भारत के भी मोनार्क हैं, भारत के भी ये हेड हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सारे इंडियन रूलर्स हैं, उनको भी दिया गया दर्जा, और इसकी वीडियोस भी अवेलेबल है आपको यूट्यूब पर, ध्यान रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ये महत्वपूर्ण है, कैलकाटा से दिल्ली, चूंकि पहले कैलकाटा था ब्रिटिशर्स का भारत में कैपिटल, लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। बंगाल का जो पार्टीशन था, पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार प्रोविंस, बंगाल को तोड़ करके बिहार को अलग किया गया, ठीक है। मैकमोहन बॉर्डर लाइन तय किया गया इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में। गदर म्यूटनी हुआ, गदर आपको इनफैक्ट ये सिख समुदाय के लोग थे जो कि सैन फ्रांसिस्को आपको अमेरिका में थे, इनका ये मानना था कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसमें लोगों में एक नेशनलिज्म की भावना को जगा दी जाए और ये ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन इसे भी कुचल दिया गया। लाला हरदयाल वगैरह सब इससे जुड़े हुए हैं, सोहनलाल भाखना, लाला हरदयाल, ये लोग जुड़े हुए हैं। फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड आएंगे, इनके टाइम में देखते हैं वायसराय थे। इंडियन होम रूल मूवमेंट, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अपने चीफ नेशनल एक्टिविटी वाले वीडियो में। होम रूल ये आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट के तर्ज पे कि हमें भी अपना स्वराज करना है, हम भी अपना अलग स्वराज करना है, मतलब कुछ नियमों के साथ हम लोग को भी दिया जाए अधिकार। लखनऊ का एक्ट हुआ 1916 में, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या था कि भाई कांग्रेस के जो एजेंडा है उसको मुस्लिम लीग समर्थन करे, ठीक है, और कांग्रेस भी जो मुस्लिम लीग के जो एजेंडे हैं जिसमें मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात है को भी एक्सेप्ट करे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919, मॉन्टेग्यू कौन होंगे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। चेम्सफोर्ड कौन होंगे? वायसराय होंगे। इनका रिफॉर्म आया, या इसको दूसरे नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोला गया। इसके तहत क्या था कि जो डायरकी सिस्टम जो था आपको प्रोविंसेस में उसको खत्म किया गया और सेंटर में आज जो लोकसभा राज्यसभा जैसा दिखता है उसी तरह डुअल हाउस वाला सिस्टम आपको सेंट्रल में लाया गया, डायरकी सेंटर में किया गया, आपको हटा दिया गया स्टेट से कि स्टेट में डायरकी नहीं रहेगी। बाद में चल करके दो हाउसेस बनाए गए कई कुछ जगहों पे, लेकिन सिंगल हाउस का आज भी हम लोग देखते हैं स्टेट्स में, ज्यादातर स्टेट में और सेंटर में दो हाउसेस रहते हैं। तो ये जो है दो हाउसेस का जो डायरकी सिस्टम है वो सेंटर में लाया गया इसी रिफॉर्म्स के बाद। फिर रोलेट एक्ट, मतलब ब्रिटिश राज के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, तो रोलेट एक्ट लाया गया जिसके तहत बिना ट्रायल के आपको जेल में डाल दिया जा सकता था। इसे खिलाफ लोग धरने पे बैठे और जालियांवाला बाग मैसेकर आप लोग जानते हैं, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे किसी पर्व को मनाने के लिए, है ना, बैसाखी का पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा हुए। ब्रिटिशर्स को लगा कि हम लोग के खिलाफ है, हो रहा है कुछ साजिश, हत्या कर दी गई, गोलियां चला दी गई, आज भी है पंजाब में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उस समय 1921 में।
फिर लॉर्ड रीडिंग आएगा, मालाबार रिपेलियन, इनको मोपला रिपेलियन भी कहते हैं, वहां के मुसलमानों ने किया था, केरला में है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विस्तार से पढ़ेंगे, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन शुरू किया था ब्रिटिशर्स के साथ कि भाई हम आपके साथ किसी भी एंड पे हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस समय विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की 1921 में। एक चौरी चौरा था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन को खत्म किया गया, थाने को जला दिया गया, गोरखपुर के पास है, पूरे थाने को चला दिया गया, पुलिस वाले को जला दिया गया, मार दिया गया था। लॉर्ड इरविन देखिए साइमन कमीशन को इस्टैब्लिश आए, भारत आए, उनका उनको विरोध करते हुए लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी चली और उनकी हत्या हो जाती है, और बाद में भगत सिंह नाराज हो जाते हैं बहुत तेज। तो साइमन कमीशन ये था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भारत आया था ये कमीशन, हालांकि इसको बहुत विरोध का सामना करना पड़ा, विस्तार से पढ़ेंगे। अपने नेहरू रिपोर्ट भी आया, नेहरू रिपोर्ट देखना होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे अभी अलग से। लाला लाजपत राय की डेथ हो गई लाठीचार्ज की वजह से, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना तय किए गए थे कि भाई हमें एज ए मुस्लिम्स मुस्लिम लीग हमारे क्या क्या डिमांड है, ये वो मुस्लिम लीग के ही एजेंडे को रखा। पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया 1929 में, और ये 26 जनवरी 1929 था, तो इसलिए भी 26 जनवरी को हम लोग अपना फाइनली अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उस दिन भी, 26 जनवरी को भी अपना रिपब्लिक डे है। सात मार्च हुआ 1930, आपको दांडी यात्रा था, याद होगा आप लोगों को, है ना। यात्रा किया गया था गांधी जी के द्वारा, और नमक के कानून को तोड़ा गया था, सॉल्ट मोनोपोली को। धर्म सेना सत्याग्रह बहुत जरूरी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला बुलाया गया, लेकिन किसी ने शामिल नहीं हुआ, न कांग्रेस शामिल हुई, न कोई शामिल हुआ भारत की तरफ से, लंदन में बुलाया गया था। इलाहाबाद एड्रेस नहीं, चिटगांव आर्मरी रेड नहीं, बहुत जरूरी नहीं। गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जो आपको साल्ट मार्च के बाद आपको गांधी इरविन पैक्ट होता है कि गांधी जी ने बुलवाया, इरविन ने बुलाया गांधी जी को और उनसे तय किया कि भाई क्या आपके डिमांड्स हैं। तो उसमें उन्होंने कई डिमांड रखा, जिसमें साल्ट मोनोपोली को हटाने के लिए, जो पॉलिटिकल प्रिजनर उसको छुड़वाने के लिए, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को एग्जीक्यूट कर दिया गया लॉर्ड इरविन को, इनकी आज़ाद इनको छुड़ाने के लिए गांधी जी ने बात नहीं किया था। लॉर्ड विलिंगडन, पूना पैक्ट हुआ, महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी यरवदा जेल के बाहर बैठ गए भूख हड़ताल पे, क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर मांग कर रहे थे कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाए, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी दिया जाए। महात्मा गांधी इसके विरोध में थे कि देश एक कैसे हो पाएगा अगर हम लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी क्षेत्र मांगना शुरू कर देंगे, इलेक्शन में बस वही उतर पाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना, एक ही रहे। पाकिस्तान डिक्लेरेशन तय किया गया कि पाकिस्तान बनेगा 1933। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें ये तय किया गया था कि भाई भारत में किस तरह से जो सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के पार्लियामेंट को जो बनाने के लिए जो तय किया गया था आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, इसमें कई नियम हैं, इसको हम लोग विस्तार से अलग से भी पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया इन्हीं के समय में 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, इन्हीं के समय है। बेसिकली हम लोग को वायसराय को देखना है, लिनलिथगो है, इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन सबसे पहली बार इन्हीं के समय हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्हीं के टाइम में, मतलब जब शुरू हुआ तो ये इस समय थे यहाँ के वायसराय, उसमें भारतीय भी शामिल हुए इन्हीं के टाइम में। डे ऑफ डिलीवरेंस का मतलब है कि जब मुस्लिम लीग ने काउंसिल से, यानी जो पार्लियामेंट है आज का काउंसिल, उस समय का काउंसिल से रिजाइन कर दिया, जितने मेंबर्स थे उनके उन्होंने रिजाइन कर दिया कि कांग्रेस की ही बात सुन रही है, तो कांग्रेस ने कैसे तय कर लिया कि इंडियंस को पार्टिसिपेट करना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उसके नाम पर उन्होंने रिजाइन कर दिया उनके सारे मेंबर्स ने मुस्लिम लीग के। लाहौर रिजोल्यूशन में तय किया गया कि पाकिस्तान बनेगा और बन के रहेगा, ये तय किया गया। क्रिप्स मिशन बाद में आया, क्रिप्स मिशन ये इसलिए था कि कोई भी अभी रुकावट मत पैदा करिए कि भाई अभी इंडियंस को पार्टिसिपेट करने दीजिए, पॉलिटिशियंस को बनाने के लिए भी आए थे कि भाई कि मान जाए, और उसके बारे में हम लोग विस्तार से भी पढ़ेंगे कि भाई इंडियंस पार्टिसिपेट करें, इंडियन आर्मी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें ब्रिटिश राज के तरफ से, तो ये क्रिप्स मिशन उसके लिए आया। फिर इंडियन लीजन यानी आजाद हिंद फौज 1942, जो भी इंडियन प्रिजनर्स थे उनको
जो उनको अलग अलग देशों से इकट्ठा करके आजाद हिंद फौज बनाया गया। पहले मोहन सिंह थे, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, शुरुआत उन्होंने किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन आप सब जानते हैं, बहुत फेमस है, महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी 1942 इसी समय शुरुआत हुई थी, नेशनल आर्मी बनी थी इंडिया की। बंगाल फैमाइन 1943, 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इन ब्रिटिशर्स को रहम नहीं आया। विस्काउंट वेवल सीआर फॉर्मूला तय किया गया। सीआर फॉर्मूला क्या था, ये सी राजगोपालाचारी थे, साउथ इंडिया के थे। फॉर्मूला इन्होंने तय किया कि देखो भाई, भाई पाकिस्तान की मांग कर रहा है मुस्लिम लीग, और इंडिया अगर कहता है ये कि आपको कांग्रेस ये कहती है उनके फॉर्मूला के अनुसार कि प्लिबिसाइड करवा देते हैं, लोगों का एक मत ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाकिस्तान बनना चाहते हैं, ठीक है। जहां पर लोग अगर प्लिबिसाइड के तहत अपना वोटिंग करते हैं, एक मत करते हैं कि ये हिस्सा पाकिस्तान बनना चाहिए या इंडिया में रह जाना चाहिए, वो हिस्सा को पाकिस्तान बना दें। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ज्योग्राफिकली वो चाहते थे कि ये पूरा हिस्सा, इससे मतलब नहीं कि वो हिंदू वहां डोमिनेटेड है या वो हिस्सा मुसलमानों का, नहीं, वो एक पूरा का पूरा हिस्सा वो तोड़ना चाहते थे। सीआर राजगोपालाचारी के इस मुद्दे पर वो सहमत नहीं हुए, गांधी जी को डिनाई कर दिया उन्होंने 1 महीने में ही। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें तय किया गया कि भाई पावर ऑफ ट्रांसफर किया जाएगा। शिमला कॉन्फ्रेंस के तहत ये भी था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को काउंसिल में कि भाई कितना मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन किया जा सके बढ़ाया जाए, है ना, रिलीजियस आधार पर रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की बात हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस में, है ना, काउंसिल्स में। फिर कैबिनेट मिशन आइए, 1946 कैबिनेट मिशन आया, क्योंकि उधर ब्रिटेन में क्या हुआ, लेबर पार्टी जीत गई थी और लेबर पार्टी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी जो पावर है इंडियन सब्जेक्ट को ट्रांसफर करो। इसीलिए कैबिनेट मिशन को उन्होंने भेजा कि आप तरीके देखो कि किस तरह से पावर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है इंडियन पॉलिटिशियन को। तो उन्होंने फटाफट इंटरिम गवर्नमेंट बना दी, यानी जवाहरलाल नेहरू के अंडर में 8-9 लोगों को अलग अलग पोर्टफोलियो, उसको कहा जा सकता है मिनिस्ट्री, लेकिन उस समय पोर्टफोलियो पकड़ा दिया गया इंटरिम गवर्नमेंट का कि इनको ये डिफेंस का मामला है, ये आपको रेलवे का देखेंगे, इस तरह से अलग अलग पोर्टफोलियो दे दिया गया ताकि कुछ मामले अब इंडियंस संभालना शुरू करें, धीरे धीरे इंडियंस इस चीज को, पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लें। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे क्यों, क्योंकि इस दिन को इतना दंगे हुए बंगाल रीजन में, ठीक है ना, क्योंकि धर्म के आधार पे तो अब टूटने की बात थी देश को, तो अब दंगा होना शुरू हुआ है हर जगह। कई जगह मुसलमानों को मारा गया, कई जगह हिंदुओं को काट दिया गया, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट हिस्सा है इंडिया का। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, इस समय क्या हुआ कि बॉम्बे वगैरह में, कराची तक ये बात फैला, फिर आपको बंगाल तक भी फैल गया कि सबसे पहले जो खाने पीने का सही मामला ना होना, तो जो नेवल फोर्सेस के थे इंडियन थे उनमें ये बहुत दिन तक बढ़ता चला गया। धीरे धीरे इसको लेकर के इन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। जब अपोज करना शुरू कर दिया तो नेशनलिस्ट मूवमेंट को भी इनके मन में डाल दिया गया कि भाई अब आप ब्रिटिश राज के खिलाफ आप उठ ही खड़े हो रहे हैं, तो इसमें नेशनल मूवमेंट के तौर पे इसको शुरुआत करिए। तो इंडियन नेशनल नेवी म्यूटिनी शुरुआत हुआ था खराब व्यवस्था से, धीरे धीरे चल करके नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को जोड़ दिया गया, तो इसके लिए भी म्यूटिनी हुआ, हालांकि बाद में सप्रेस कर दिया गया। विस्काउंट और माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान आप लोग जानते ही हैं, जो कि था भारत पाकिस्तान और जो राज्य अपना अलग देश के अलग सोवरेन रहना चाहता है, प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट वो रह सकता है, यानी तीन था, इंडिया पाकिस्तान और जो अलग रहना चाहता वो भी। तो इसी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास कराया गया, जिसके तहत ये मान लिया, ये पारित कर दिया गया कि अब से इंडिया एक फ्री नेशन है और ब्रिटिश का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाएगा, और इंडिया पाकिस्तान एक अलग देश हो गया। कश्मीर की समस्या को फंसा के रख दिया गया कुछ हमारे बहुत समझदार नेताओं के द्वारा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने वॉयसराय ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है। ध्यान रखिएगा, इसमें कई ऐसे जो इवेंट्स हैं उसको हम लोग चीफ नेशनल एक्टिविटीज में उन इवेंट्स को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि कई जगह पर दम निश्चिंत होकर के इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, बार बार देखिए इस वीडियो को और पढ़िए, ठीक है।
क्योंकि 80-90% आपका इसी से कवर हो जाएगा। 10% जो है चीफ नेशनल एक्टिविटीज में जो इवेंट है उसको हम लोग पूरा ओपन करके हम लोग पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वायसराय वाले सेक्शन में हमने पूरा फैक्ट्स को कवर किया है। पूरे टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही इस सेक्शन में वायसराय ऑफ इंडिया से। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।